टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप काइन मास्टर एप्लीकेशन की हेल्प से अपनी वीडियोस के लिए इंट्रो कैसे बना सकते हैं। इंट्रो बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप इसे अपनी वीडियोस में लगाते हैं तो इससे हमारा वॉच टाइम इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम अपनी वीडियोज़ में इंट्रो को ऐड करते हैं तो ये इंट्रो हमारी वीडियो का हिस्सा बन जाता है। आज जब हम अपनी वीडियो को YouTube पर अपलोड करते हैं तो हमारी वीडियो के शुरू होने से पहले इंट्रो आ जाता है, और जब हमारी वीडियो देखी जाती है तो हमारा वॉच टाइम डबल इंक्रीज होता है। सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप काइन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से प्रोफेशनल इंट्रो कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके सामने के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि काइन मास्टर ओपन हो गया है, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आते हैं। आपको 16:9 के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप गैलरी में पहुँच जाएँगे। यहाँ पर आपको उस इंट्रो को सिलेक्ट करना है जिसको आप बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम आपको इसे चलाकर दिखा देते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पर इसे प्ले कर दिया है। अब हमें इसमें अपने चैनल के लोगो को ऐड करना है, जिसके लिए हमें लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें मीडिया पर क्लिक करना है। जैसे ही हम मीडिया पर क्लिक करते हैं तो ये हमें गैलरी में पहुंचा देता है। अब हमें अपने चैनल के लोगो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमें इसके साइज़ को थोड़ा कम कर देना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे छोटा कर लिया है। अब हमें इसे थोड़ा इधर बढ़ा के लाना है और अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इंट्रो रेडी हो गया है। अब हमें इसे दोबारा सेलेक्ट करना है और इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। हमें इस वाले इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम आपको इसे चलाकर दिखा देते हैं। अब हमें इसे दोबारा सेलेक्ट करना है। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद आउट एनिमेशन पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ एनिमेशन आते हैं। हमें इस वाली एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इंट्रो रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर आपको चला के दिखा देते हैं। तो गाइस, आप भी काइन मास्टर एप्लीकेशन की हेल्प से बहुत अच्छे अच्छे इंट्रोज बना सकते हैं। मैंने इस टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इंट्रो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर आपको चला के दिखा देते हैं।
आई होप आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके सामने के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।